प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल रख अपनी गैंग व अन्य लोगों से बातचीत करने वाले हार्डकोर अपराधी सत्येंद्र उर्फ बाया को सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है, जिससे मोबाइल संबंधी पूछताछ की जानी है। मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि कुछ समय पहले हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन ने हत्या में कई अनैतिक गतिविधियों में बंद हार्डकोर अपराधी सत्येंद्र उर्फ बाया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बैरिक में बाथरूम में मोबाइल मिला था जिसे वह संचालित करता था। यह हार्डकोर अपराधी बानू प्रताप सिंह सहित अलग अलग गैंग से संबंध रखता है। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तख्ती शुरू की और आरोपी सत्येंद्र को आज प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। इससे मोबाइल को लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है और उसकी कॉल डिटेल निकालकर जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। हाई सिक्योरिटी जेल से पहले एक मुकदमा दर्ज कराया गया था कि हाई सिक्योरिटी जेल में सत्येंद्र उर्फ भैया नाम का हार्डकोर क्रिमिनल है जो कोटा का निवासी है और बानू प्रताप गैंग से संबंध रखता है। पूर्व में उसके मर्डर के मुकदमे है जिसकी ये सजा काट रहा था। उसके वहाँ हाई सिक्योरिटी जेल में बेरिक में टॉयलेट में मोबाइल मिला था, जिसको आज अनुसंधान में हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोडक्शन वारंट से लेके आए। ये बड़ा बदमाश किस्म का अपराधी है। ये जेल में मोबाइल रखता था, बातचीत करता था अपने साथियों से और घर वालों से। उस संबंध में आज इसको मुकदमे में प्रोडक्शन वारंट से लेके आए। अभी इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूछताछ हुई है क्या, फिर से क्या? हाँ, अभी पूछताछ चल रही है। आज इसको लेके आए, अभी अनुसंधान ही कर रहे हैं इसके। उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।